ମୋଦିଙ୍କ ଫୋକସ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା। ସମ୍ବଲପୁର ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶରେ ବର୍ଷିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଉଭୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରିବ ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଏଥିସହ କଂଗ୍ରେସକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ସରକାର ଜନତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଲୁଟିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ସରକାର ଦେଶରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହଟାଇବା କାମ କରିଛି। ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସୁଥିବା 100% ଟଙ୍କା ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାନଦୀ ହୀରାକୁଦ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କୃଷକଙ୍କୁ ପାଣି ମିଳୁନି। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି। ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲେ କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ସହାୟତା ରାଶି ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଭଳି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ବାଜପେୟୀ ସରକାରରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ହୋଇଥିଲା। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିନେରାଲ ଫଣ୍ଡରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ 6,000 କୋଟି ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିରୁ ବିଜେଡି ସରକାର ମାତ୍ର 1,000 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଥିବା ଚାଉଳକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି। ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଛି 29 ଟଙ୍କା, ସେଇଠି ରାଜ୍ୟ ଦେଉଛି ମାତ୍ର 2 ଟଙ୍କା। 2022 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପକ୍କା ଘର ଏବଂ ଶୌଚାଳୟ ଥିବ ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ତା ସହ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରାଯିବ। पहले चरण की वोटिंग में ओडिशा से जो संकेत आए हैं उससे साफ है ओडिशा में भाजपा सरकार आपके इस चौकीदार की सरकार ने ये व्यवस्था बनाई है कि सरकार अगर 100 पैसे भेजे तो पूरे 100 पैसे देश के गरीबों पर खर्च हो। 23 मई को जब फिर एक बार मोदी सरकार जब फिर से आएगी तब ओडिशा के सभी किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधी मदद की व्यवस्था हम करने वाले। क्षेत्र के आधार पर भेदभाव, जात पात के आधार पर भेदभाव, यही कांग्रेस और बीजेडी की उपलब्धि रही है। यही कारण है कि जहां महानदी और हीराकुंड जैसे बांध है वहां का किसान बूंद बूंद पानी के लिए तरसता है। भाजपा की सरकार बनने पर, दिल्ली में नई सरकार बनने पर अलग से एक जल शक्ति मंत्रालय बनाया जाएगा। सिर्फ पानी के लिए अलग मिनिस्ट्री, इसके तहत देश भर की नदियों के, समंदर के, बारिश के पानी को जरूरतमंदों तक, क्षेत्रों तक पहुंचाने का मिशन चलाया जाएगा। 1 रुपये के चावल गरीबों को यहां मिलता है, वो केंद्र की सरकार ये यहां बताते नहीं है, छुपा देते हैं। भारत सरकार, दिल्ली में चौकीदार की सरकार 19 रुपया 30 रुपये में चावल खरीदती है और वो चावल यहां पर पहुंचाती है। यहां की सरकार ज्यादा से ज्यादा उसमें उसको 2 रुपया डालना पड़ता है। ये चौकीदार की सरकार 25, 27, 29 रुपये डालती है, ये सिर्फ 2 रुपया डालते हैं और कहते हैं कि यहां पर उड़ीसा सरकार ये चावल सस्ते में गरीबों को दे रही है। बताइए झूठ है कि नहीं है? इस तरह जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बना उसके तहत उड़ीसा को 6,000 करोड़ रुपये मिले, 6,000 करोड़। ये आप जानकर के हैरान हो जाएंगे कि यहां की बीजेडी सरकार ने 6,000 करोड़ में से सिर्फ
1000 करोड़ रुपया ही खर्च किया, बाकी पैसे पड़े हुए हैं और आप बहुत ही छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए परेशान हो रहे हैं। जब सरकारों की नीयत ऐसी हो तो उनको बदलना जरूरी है। बीते 5 वर्षों में ओडिशा के गांवों में लगभग 12 लाख से अधिक पक्के घर मिल चुके हैं। साल 2022 तक, याद रखिए, ये मोदी का वादा है, 2022 तक उड़ीसा के हर गरीब को, वंचित को, पिछड़े को, आदिवासी परिवार के पास उसका अपना पक्का घर हो। संबलपुर परे भुवनेश्वर रोड शो करिबे प्रधानमंत्री। अपराह प्राय 5टा भुवनेश्वर पहुंचे मोदी। विमान बंदर बरमुंडा 7 किलोमीटर जाए रोड शो करिबे मोदी। पर बरमुंडा पड़िया विशाल जनसभा को संबोधित करिबे प्रधानमंत्री। गस्त पर भुवनेश्वर ट्राफिक कटकणा करा जाइछि। आज अपराह 2टा राति 10टा पर्यंत भारीजान और ट्रक चलाचल उपर ट्राफिक कटकणा लागू होउछि। जातीय राजपथ 16 खोर्धा पटु भुवनेश्वर को आसुथिबा भारीजान पीतापल्ली रे पार्किंग करिबे। सेपरी कटक दे भुवनेश्वर अभिमुखे आसुथिबा भारीजान मंगुली रे पार्किंग करिबे। कटकरु आसुथिबा 2-चकिया एवं 4-चकिया जान बालिकुदारु जाई त्रिशूलिया दे भुवनेश्वर जिबे। खोर्धारु आसुथिबा 4-चकिया जान हालुका जानगुडी को पीतापल्ली चंदका बारंग एवं त्रिशूलिया दे कटक जिबे। कटकरु आसुथिबा यात्रीबाही बस NH16 रो फ्लाईओवर दे खंडगिरी तापर सर्विस रोड दे बरमुंडा बस स्टैंड जिबे। सेपरी खोर्धारु बरमुंडा को आसुथिबा यात्रीबाही बस सर्विस रोड दे आसिबे। बरमुंडारु कटक जाउथिबा लोकल यात्रीबाही बस बाणीबिहार पर्यंत सर्विस रोड रे जिबे। तापर जातीय राजपथ दे कटक जिबे। आज साधारण जनता को जातीय राजपथ व्यवहार न करबा को अनुरोध करा जाइछि।